पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कृष्णा का फिर से जॉब लग गया, मैरिज भी फिक्स हो गया। एक दिन नाइट शिफ्ट के बाद सुबह सुबह कृष्णा सोने जा रहा था कि दरवाजे पे नॉक हुए और कृष्णा को एक लेटर मिला जो कि करिश्मा का था और उस खत में वो उसे मिलने के लिए बुलाई थी। करिश्मा के खत पढ़ने के बाद मुझे उसके लिए कुछ फील तो हुआ ज़रूर, पर उसके कारण जो कुछ भी हुआ था मेरे ज़िंदगी में वो मैं कभी भुला नहीं सकता था। उसके वजह से मेरी जॉब चली गई और मैं फिर से उसके कारण कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। बात सिर्फ अब मेरी या मेरी ज़िंदगी की नहीं थी, मेरी बहन, मेरी माँ और साथ में किसी और का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला था मेरे ऊपर। जो हुआ वो अच्छा नहीं, पर अब समय मूव ऑन का था। मैं करिश्मा को अभी भुला नहीं पाया था, अभी उसके नाम लेते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। फिर भी मैं ना चाहते हुए भी उसे भुलाना चाहता था। मेरे ज़िंदगी की करिश्मा नाम का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 19 एपिसोड 10। मैं हूँ स्वप्निश, आपका स्टोरी टेलर। शांत अंधेरा कमरा, एक ही खिड़की से आती हुई रोशनी से घर कुछ हद तक रोशन दिख रहा था। मैं वो खत पढ़ा और ख़त्म किया। बहुत सारे सवाल और कुछ किस्से मेरे मन में गूंज रहे थे। उन्हीं किस्सों के साथ मैंने फैसला किया कि मैं ये और आगे नहीं बढ़ा सकता। उस खत को फाड़ दिया और ट्रैश कैन में फेंक दिया। आके वापस से बैठा चुपचाप वहीं पे। मन में कई सवाल आ रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे फिर से लगा कि ये करिश्मा की आखिरी निशानी है मेरे पास, इसे ऐसा फेंकना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं फिर से जाके उस ट्रैश कैन से उन कागज़ के टुकड़ों को बाहर निकाला और बड़े ही प्यार के साथ उन्हें संभाल के रखा ताकि ये आखिरी निशानी मेरे साथ हमेशा के लिए रहे। रात को मैं डिनर किया और निकल गया काम के लिए। अब रात भर ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है मेरा। घनी काली रात, इतना अंधेरा कि आंखों के सामने भी कुछ हो तो भी ना दिखे। चारों तरफ रेड लाइट जल रही थी। फैक्ट्री के बीच में चेयर और खुद के सर में येलो हेलमेट डाल के बैठा हुआ था। मशीनों की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी, पर मेरे दिमाग में करिश्मा और उसकी वो चेहरा ही चल रहा था। बड़े शांत से, कोई शोर नहीं था अंदर। वो चेहरा अब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा था। मुझे अब करिश्मा सही से याद भी नहीं आ रही थी। एक बार देखा था कई साल पहले, और दूसरी बार जब देखा तो देख ही नहीं पाया। बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें याद आ रही थी, बाकी कुछ याद ही नहीं आ रहा था। सडनली मुझे लगा कि शायद मुझे एक आखिरी बार उसे मिल लेना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में एक आवाज़ आने लगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी। मैंने सोचा बात तो सही है, पर मन नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक आखिरी बार तो ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो गया। आसमान साफ दिखने लगा और अंधेरा जाने लगा। मैं कुछ घंटे बैठा वहाँ पे। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा। अरे कृष्णा, क्या बात है, अभी तक गए नहीं? हाँ सर, वो 2 दिन की छुट्टी चाहिए था, मैंने कहा। क्या हुआ, कुछ ज़रूरी है? मैं कुछ कहा नहीं, चुपचाप ही खड़ा रहा वहाँ पे। वो अपने रजिस्टर वगैरह में खोए हुए थे। कुछ सेकंड खामोशी के बाद वो उन रजिस्टर को बंद किए और पेन पे कैप लगाते हुए बोले, देखो कृष्णा, अभी नाइट शिफ्ट के लिए कोई नहीं है और तुम चले जाओगे तो काम कोई देखने वाला तो चाहिए ना, छुट्टी शायद नहीं हो सकता। अब मेरे पास था नहीं कुछ कहने को। मुझे लगा शायद कुदरत ही नहीं चाहता मैं उसे मिलूं, तो लगा ठीक है नहीं मिलते हैं। मैं दरवाज़ा खोला और बाहर आ ही रहा था। कृष्णा, एक मिनट सुनो। देखो, मुझे नहीं पता क्या बात है, पर मैं 1 दिन का छुट्टी ग्रांट कर सकता हूँ, अगर हो सके तो। मैंने कहा थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बाहर से रूम आया, बाकी सारा काम जल्दी से ख़त्म किया। अब सबसे बड़ा काम था उसकी एड्रेस ढूंढना। तो मैंने सोचा अभी के लिए बस पकड़ लेता हूँ, रास्ते में ही इन टुकड़ों को जोड़ लूँगा। बस स्टैंड में अभी अभी सब दुकान खोल रहे थे, कुछ चाय वाले तो पहले से खुले हुए थे। मैंने कुछ खाया नहीं था सुबह सुबह, तो मैंने चाय पी लिया और साथ में 2 बिस्कुट भी खा लिया। फिर बस आया और मैं चल पड़ा उसे मिलने। अब तक जल्दी जल्दी में मैं भूल ही गया था कि ये सफ़र मेरे प्यार के नाम था। बस में बैठने के दौरान उन सारे कागज़ के टुकड़ों को संभाल के निकाला।
निकालते ही एक टुकड़ा उड़ के पीछे चला गया हवा के झोंके के साथ। मैंने फिर से उन्हें अच्छे से पकड़ लिया और पहले खिड़की बंद किया। उसके बाद हवा थोड़ा कम होते ही मैंने फिर से उन टुकड़ों को बाहर निकाला। अब एक टुकड़ा जो उड़ गया था वो उस एड्रेस का ही एक हिस्सा था, बस इधर उधर हिल रही थी और मैं यहाँ अपनी पजल सॉल्व करने में बिजी था। मुझे लगा ऐसे तो होने नहीं वाला है। अब मैंने वही टुकड़ों को सिर्फ निकाला जिसमें एड्रेस का हिस्सा था। हर दो को मिला के देखा कौन सा मिल रहा था। अब जैसे जैसे मिलते गया मैं उन्हें बैसे बैसे नोट करता गया। आखिर में मुझे एक टुकड़ा नहीं मिला पर वो राउरकेला का हिस्सा था जो कि मुझे पहले से ही पता था। फाइनली पहुंचा वहां पे और रिक्शा लेके मैं उस एड्रेस पे पहुंचा। मैं डरते हुए बाहर दरवाजे पे नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं फिर से नॉक किया, फिर भी कोई नहीं आया। मुझे अब थोड़ा सा शक होने लगा था, क्या मैं सही एड्रेस पे आया हूँ? शिट, कहीं ये गलत एड्रेस तो नहीं? मैं उसको मिलने इतना दूर आ गया पर मुझे पता ही नहीं कि वो वाकई में यहाँ रहती है या नहीं। क्या पता वो अब शिफ्ट हो गई होगी तो। शिट यार, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं वापस अपने घर और काम के बारे में सोचने लगा। मेरे दिमाग में सारे नेगेटिव ख्याल आने लगे। अब मुझे फिर से नॉक करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं बाहर मुड़ा और चलने लगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद करिश्मा मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं। कृष्णा, मैं पीछे मुड़ा और वो करिश्मा थी। वो पीछे की दरवाजे से आई और मुझे लेके अंदर चली गई। वो एक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। अब बहुत सुंदरता नहीं थी उसके चेहरे पे। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरा मलिन हो गया था। घर के अंदर जाते ही एक बच्ची दिखा मुझे और तब उसने मुझे बताया कि जब मैं भागी ये मेरे पेट में थी। 2 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे मेरे लिए, पर हम समाव सर्वाइव कर गए। वो रोना चालू कर दी और उनकी बात सोच के मुझे भी रोना आ गया। फिर वो बोली, मुझे नहीं लगता था तुम आओगे। अभी मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहूँगी, अगर तुम लेना चाहो तो मेरी बेटी को रख लो प्लीज़। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू और शब्दों में दर्द महसूस हो रही थी और दिल में जो दर्द थी वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। पर मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैंने साफ मना कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता, अब नहीं ले सकता मैं और जिम्मा। कृष्णा, अब मना मत करो, बस तुम ही एक उम्मीद बचे हो। 2 साल की बच्ची, मुझे देख के लगा किसी और का है ये, मैं कैसे। करिश्मा के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो डिप्रेशन के किस हालत में थी। वो बस अपनी बेटी के लिए जिंदा थी पर वो सही मायने में उस बच्ची की ख्याल रखने की हालत में नहीं थी। मैं ये कभी नहीं करना चाहता था पर एक समय के लिए मैंने उस खेलती हुई बच्ची को देखा। वो मुझे देखी और एक स्माइल कर दी। उसकी उस मुस्कान, मेरा दिल पिघल गया और लगा कि इस बच्ची का क्या दोष। और मैंने हाँ कह दिया। अब करिश्मा बहुत रोई और मुझे हक कर ली कस के। मेरे दिल पानी की तरह पिघल गया। साथ में उसने मुझे एक डायरी थमा दी और बोली कि इसमें मेरे हिस्से की कहानी है, कभी पढ़ लेना समय मिले तो। मैं वापस आया और घर चला गया। घर में मेरी माँ विश्वास नहीं कर पा रही थी और दी भी पसंद नहीं कर रही थी इस बात को। और रानी के घर वालों को पता ही नहीं था, जब पता चली तब तक शादी हो चुका था और रानी को कोई प्रॉब्लम नहीं था इससे। और उसी साल तू भी पैदा हुआ, अंकल मुझे इंडिकेट करते हुए बोले। मैंने कहा, क्या ये मेरे से 2 साल बड़ी है? तभी मुझे समझ आया कि इतनी समझदार कैसे है। यही रीजन था ना अंकल, आपने इस मैरिज के लिए बिना ज्यादा सोचे ही हाँ कह दिया। वो हंस दिए पर कुछ बोले नहीं। करिश्मा चिल्ला कर बोली, डिनर लग गया है। अरे पर करिश्मा का नाम कब रखा आपने? करिश्मा को मैंने अडॉप्ट जरूर कर लिया पर
उसको मैंने अपना ही नाम दिया। लीगली वो मेरी ही बेटी है। हुआ कुछ यूँ कि उस दिन मैंने इसका नाम पूछना भूल गया। बाद में इसको मुझे नाम देना था और मैं इसे छोटी करिश्मा करके बुलाता था और मुझे इस नाम के अलावा और कोई नाम सूझा ही नहीं। फिर मैंने इसका नाम करिश्मा ही रख दिया। हम खाना खाने गए। डिनर टेबल पे करिश्मा बड़े अच्छे से खाना बना के सजाई थी और टेबल बहुत सुंदर दिख रहा था। हम बैठ के खाना खाए। अंकल मेरे साइड में बैठे हुए थे। मैंने पूछा, वैसे अब वही पे हैं? इतने सालों में हुआ क्या उनके साथ? वो कहाँ हैं अब? वो खाना चबाते हुए बोले। कुछ समय चबा के निकलने के बाद वो बोले कि गया था, पर वो वहाँ थी नहीं। तो वो गई कहाँ? मैंने पूछा। करिश्मा इन सब बातों को सुन रही थी और उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। वो मेरे पास आए और कान में विस्पर करते हुए बोले। करिश्मा दूर से देख के बोली, ये क्या चल रहा है? मैंने कहा, तुम खाना खाओ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर आपने कहानी यहाँ तक देख लिया और लाइक नहीं किया तो पाप जरूर लगेगा आपको। वैसे करिश्मा कृष्णा अंकल को एक डायरी भी तो दी थी जिसमें उसकी हिस्से की कहानी थी। कभी उसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसकी कहानी भी जानेंगे कि हुआ क्या था उनके साथ उस 2 साल के दौरान। पर अभी के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, और शेयर ज़रूर करना राइट नाउ। इसको डाउनलोड करके शेयर करो या फिर लिंक शेयर करो, मुझे नहीं पता, बस शेयर हो जाना चाहिए। वेलकम विथ अनदर स्टोरी। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।